सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि भोपाल से साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट सकता है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ सकते हैं। खबर तो ये भी है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो से ही चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं इस बार मध्य प्रदेश के करीब 3 से 4 मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो से चुनाव लड़ सकते हैं 3 से 4 ऐसे सांसद होंगे जिनका टिकट कट सकता है। यतेंद्र, न्यूज 18 इंडिया संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। यतेंद्र, साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट सकता है, और भी कई सांसद हैं जिनका टिकट कट सकता है, क्या नामों का खुलासा हुआ है और क्या कारण है? देखिए, बिल्कुल कल दिल्ली मुख्यालय में बीजेपी नेतृत्व के साथ मतलब कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, अलग अलग राज्यों के साथ बैठक हुई थी। मध्य प्रदेश में जो 37 साल बनती नजर आ रही है लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत की भोपाल से जो साध्वी प्रज्ञा उनका नाम कर सकता है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष खुशीदेव शर्मा भी अपनी पुरानी दलित खंडराव लोकसभा से कर सकते हैं। बाकी इस मीटिंग में 3-4 सांसदों का जो फीडबैक आया था वो नेगेटिव आया था, तो माना जा रहा है कि उन 3 से 4 सांसदों का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव 6 सांसद पहले ही विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे, तो वो सीट खाली है, वहां पर से नए चेहरे देंगे, तो माना ये जा रहा है करीब 1 घंटे भर नए चेहरे को मध्य प्रदेश में मौका देगी। और आज जो समिति की बैठक है उसमें ये अंतिम मोहर अंतिम मोहर लगता है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। यतेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल शुक्रिया आपका। कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अभी से अगर कस्टडी में ले लिया जाएगा तो ज्यादा दिन की रिमांड मांगी जाएगी, पूछताछ की जाए कि आखिर किसका संरक्षण मिला था, इतने दिनों तक ये छुपा रहा इतनी पास बैठकर भी, कोई शक? देखिए, पुलिस तो कोशिश करेगी हर तरीके से कि शेख शाहजहां को रिहा कर दिया जाए, बरी कर दिया जाए, लेकिन हमारी बीजेपी की पूरी नजर इस घटना पे घटेगी और सरकार या पुलिस रहेगी नजर इस घटना पर, किसी भी तरीके से शेख शाहजहां को बचाने जी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आखिरकार टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी मिनाका इलाके से हुई, जो कि संदेश खाली से महज 25 किलोमीटर दूर। लेकिन अब बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं, क्योंकि वहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है राजनीतिक लिहाज से। कांग्रेस सरकार के लिए रात भरी खबर, लेकिन इन सबके बीच में यह आती है कि पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर बनकर शिमला पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार ने विक्रमादित्य समेत सभी नाराज विधायकों को मनाने का दावा कर दिया है। देर रात तक कांग्रेस विधायकों से बात करने के बाद अब हुड्डा होटल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है, उन्होंने कहा कि वो बाकी विधायकों से भी बात करेंगे ताकि अगर उन्हें कोई शिकायत है तो उससे दूर किया जाए। आपको याद होगा कल ही विक्रमादित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कह रहे हैं कि वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट लिए गए, सब कुछ किया गया, लेकिन कई वादे थे जिन पर काम नहीं किया गया। वीरभद्र सिंह को सुनिए एक बार। और भी बात करेंगे विधायकों से। अभी क्या इनपुट है सर जो? ठीक है, नहीं और भी बात करेंगे विधायकों से। ठीक है सर, अभी क्या इनपुट है सर जो? ठीक है। भूपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, ऑब्जर्वर बनकर गए हैं और ये कहा जा रहा है कि बातचीत की